हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरएमएस क्लासेस एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माय चैनल। जो बच्चे अभी जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, वो बच्चे अगर सेवन चैप्टर अगर आप देख रहे हो तो आप पहले से जो चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ जबरा के, वहाँ से भी आप चैनल पर जाके मैंने चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई प्रॉब्लम है पीछे के लेक्चर्स इसमें जो हम चैप्टर कर चुके हैं, तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। या तो मैं कंप्लीट एक्सरसाइज ही सॉल्व करवा के अपलोड कर दूँगी, या फिर जो नेक्स्ट लेक्चर मैं लूँगी इस आज के लेक्चर के बाद, वो मैं अलजेब्रा की जितनी प्रॉब्लम्स बच्चों ने डाल रखी है उनको सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.5। सबसे पहले आपको बताना है कि कॉमन रूट ऑफ टू इक्वेशंस, कि दो इक्वेशन के कॉमन रूट कैसे निकालने कैसे हैं, और मीनिंग क्या है कि कॉमन रूट होते क्या है। लेट एफ एन एक्स इक्वल टू ज़ीरो बी एन इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, एंड एफ एम एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज अनदर इक्वेशन ऑफ डिग्री एम। ठीक है, नाउ हमने कहा कि इन इक्वेशंस के कुछ कॉमन रूट निकले। कॉमन रूट हम लेट कर लेके चलेंगे, अज्यूम कर लेते हैं अल्फा वन, अल्फा टू, अप टू सो ऑन अल्फा एन। दीज आर द कॉमन, अल्फा आर ले लीजिए, कॉमन रूट्स ऑफ एफ एन एक्स एंड एफ एम एक्स। ओके, नाउ ये जो अभी हमें ये पता है कि ये एन डिग्री की इक्वेशन है, देन दिस इक्वेशन हैज़ एन रूट्स एंड ये एम डिग्री की है, तो इस इक्वेशन के एम रूट होंगे। तो हमने लिए अल्फा आर, यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो लेस देन एन होगी और लेस देन ऑल्सो कॉमन अल्फा टू अप टू सो ऑन अल्फा आर विद द कॉमन रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एन एक्स। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए या तो एंड इक्वेशन इज द सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों के कॉमन रूट, ये रूट फर्स्ट इक्वेशन के भी और ये रूट सेकेंड इक्वेशन के भी, और जो आर की वैल्यू है वो होगी लेस देन एन एंड एम। ठीक है, नाउ अगर मैं इन रूट्स को लेके एक इक्वेशन बनाते हूँ फाई ऑफ एक्स, डिग्री कितनी रहेगी आर डिग्री, बिकॉज हमारे पास आर रूट है। कैसे बनाते हैं, अगर रूट्स गिवन है तो इक्वेशन हम बना सकते हैं एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, अप टू सो ऑन एक्स माइनस अल्फा आर। ठीक है, देन दिस इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो, दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज दीज आर द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इन्हीं रूट से हमने ये इक्वेशन बनाई है। ओके, फाइव आर एक्स कंप्लीट डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अगर ये जो इक्वेशन हम बनाएंगे रूट से, अगर ये कंप्लीट डिवाइड करती है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, दैट मीन्स दीज आर द कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, और आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपके पास गिवन होगा एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री एन। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो कोई भी क्वेश्चन दे रखे है एन डिग्री के, देन आपको इसे कॉमन रूट फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम फाइंड आउट करेंगे एफ डैश एक्स, या तो ये गिवन होगा कि एक एफ ऑफ एक्स दे दिया और एक जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल दे दी, इक्वेशन बोल लीजिए, इक्वेशन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन आपके पास गिवन होंगे और आपको निकालने की उसके कॉमन रूट फाइंड आउट कीजिए, देन हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे एच सी एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ओके, एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ से देखा जाए तो देखिए, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, दिस इज द इक्वेशन मेड बाय द रूट ऑफ अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा आर, दिस इज कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशंस एंड इन्हीं को लेके हमने ये इक्वेशन बनाई है। और हमने कहा कि ये कॉमन रूट कब बनेंगे, जब ये इक्वेशन इसको फर्स्ट को और सेकेंड को कम्प्लीटली डिवाइड करेगी। दैट मीन्स हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ से,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा वो यहाँ पे हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन, दो इक्वेशन दे सकता है आपके पास, दो इक्वेशन गिवन होंगे और आपको इसका कॉमन रूट बताने हैं, तो कॉमन रूट निकालेंगे एचसीएफ निकाल के। ओके, नेक्स्ट आपके पास गिवन है इक्वल, या फिर पूछ सकता है मल्टीपल या फिर रिपीटेड, रिपीटेड रूट्स ऑफ एफ ओफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी क्वेश्चन के इक्वल मल्टीपल रिपीटेड रूट्स कैसे बताते हैं? इफ़ एल्फा, जो एल्फा हम लेके चलते हैं, इज अ रूट ऑफ एफ ओफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एल्फा इज सेड टू बी इक्वल और रिपीटेड और मल्टीपल रूट, रिपीटेड या फिर हम बोलेंगे रिपीटेड रूट, मल्टीपल रूट, सॉरी रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एफ एन एक्स यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट मीन्स दिस इज द डिग्री ऑफ एन, एन इज द डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एफ एन एक्स यानी कि एन डिग्री की क्वेश्चन है, तो अल्फा को रिपीटेड रूट कब बोलेंगे? इफ अल्फा अकर्स मोर देन वंस अमंगस्ट द रूट्स ऑफ एफ एन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जैसे कि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, क्योंकि एन डिग्री की क्वेश्चन है तो एन रूट होंगे, आर रूट्स ऑफ एफ एन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन के रूट्स हमने ले लिए। अब हमने कहा कि अल्फा को रिपीटेड कब बोलेंगे, यानी कि इक्वल या फिर रिपीटेड या मल्टीपल रूट कब बोलेंगे? अगर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री जितने भी नंबर हो सकते हैं वो हमारे पास सारे के सारे सबकी वैल्यू एक आ जाए, मीन्स बार बार वही रूट आए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इक्वेशन लेती हूँ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास चार डिग्री की इक्वेशन आती है, है ना। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ, अगर रूट्स फाइंड आउट करूँगी तो x के वन 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 एंड टू आएंगे, देन वन कितने टाइम आ रहा है, मोर देन वंस, मतलब कि थ्री टाइम, देन हम इसको ये कहेंगे कि जो वन है दिस इज द रिपीटेड रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अंडरस्टैंड। देन x को जो आपके पास यहाँ से आप बता सकते हो कि अगर पूछ लिया जाए मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, multiplicity of root, that means equation में जो root repeat हो रहा है वो कितने time हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर check करती हूँ तो वन वन एंड वन थ्री टाइम आ रहा है, तो वन की जो है multiplicity of root, अगर मैं वन की multiplicity निकालती हूँ तो ये आ जाएगा थ्री टाइम हो रहा है, तो मीन्स थ्री। ओके, तो इस तरह से आप किस आपसे मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हैं, यानी पूछ सकते हैं कि रूट्स की मल्टीप्लिसिटी बताइए, तो जो इक्वेशन में बार बार इक्वेशन के रूट्स में जितने टाइम रिपीट होगा वो इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा। थ्योरम दे रखिए, स्टेटमेंट समझनी है ओनली, प्रूफ नहीं करना। इफ़ अल्फा बी रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो रिपीटेड आर टाइम्स, मीन्स अल्फा जो है वो इसके रूट्स में आर टाइम रिपीट हो रहा है, देन इट इज़ अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसके डेरिवेटिव का जो रूट होगा अल्फा रिपीट करेगा आर माइनस वन टाइम। अंडरस्टैंड सी बात है कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स ले रही हूँ, पॉलिनोमियल मैंने ले लिया यहाँ पे एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, यहाँ पे जो वन है वो टू टाइम रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वन इज अ टू, मीन्स टू टाइम रिपीट कर रहा है, इसके रूट होंगे वन वन एंड टू। ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करती हूँ तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, एफ ओफ एक्स इक्वल टू दिस इज क्या बनेगा यहाँ से, एक्स माइनस वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, एंड एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर
माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस फोर एक्स, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, थ्री माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन आती है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स हमने ले ली इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वन जो वो टू टाइम रिपीट हो रहा है। अब इस अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम क्या कह रहे हैं कि अगर वन टू टाइम रिपीट कर रहा है एफ एक्स में, देन जब मैं डेरिवेटिव करती हूँ तो इसका रूट वन एक टाइम आएगा, मीन्स उसे कम हो जाएगा। जैसे एफ एक्स में टू टाइम रिपीट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव अगर हम किसका करेंगे, एफ डैश एक्स, दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस थ्री, ये जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसका रूट फाइंड आउट करूँगी तो यहाँ पे इसका रूट वन एक टाइम आएगा, बिकॉज अगर एफ एक्स में दो टाइम आ रहा है, टू टाइम रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वन टाइम आएगा, ठीक है। ये थ्योरम ये कहती है। देन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रूल टू फाइंड द मल्टीपल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मल्टीपल रूट्स फाइंड आउट कीजिए इक्वेशन के, आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आपको इक्वेशन गिवन होगी, यहाँ से आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, मीन्स डेरिवेटिव हम इसका करेंगे, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में आपको करना है एच सी एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। ये जो दो इक्वेशन हैं आपके पास, इनका आप एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे, और वो हमने ले लिया कि हमारे पास इक्वेशन आएगी फाई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एच सी ऑफ दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। हमें ये इक्वेशन मिल जाती है इन दोनों का एच सी एफ। ओके, हमें क्या निकालना है, मल्टीपल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। देन हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड यहाँ से जो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी वो होंगे आपके पास रिपीटेड रूट या फिर मल्टीपल रूट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको मल्टीपल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट इज अ कंडीशन फॉर टू इक्वल रूट्स। अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो और इसके जो रूट हैं वो दे रखा है कि वो टू इक्वल रूट है इस इक्वेशन के, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी भी हो सकती है, मान लेते हैं कि अल्फ़ा एंड अल्फ़ा टू इक्वल रूट्स, मीन्स इसके दो रूट इक्वल होंगे। अल्फ़ा अल्फ़ा इज द सेम रूट, बी रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। नाउ अभी जो हमने थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी है क्या कह रहा था कि अगर अल्फा रिपीट कर रहा है रूट एफ ऑफ एक्स का, देन अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स का कोई भी रूट अगर रिपीट करता है टू टाइम अगर आता है तो डेफिनेटली अल्फा एफ डैश एक्स का रूट भी जरूर होगा, ठीक है। देयरफॉर एफ डैश अल्फा इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स अगर अल्फा इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर अल्फा रूट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, देन एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि दो किसी भी इक्वेशन के दो रूट जो हों वो इक्वल हैं, तो कंडीशन क्या क्या बनी हम निकाल सकते हैं वहाँ से, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ डैश अल्फा इक्वल टू ज़ीरो। दीज आर टू कंडीशंस व्हेन इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स। कंडीशन फॉर थ्री इक्वल रूट्स, इफ अल्फा अल्फा एंड अल्फा, अल्फा इज थ्री टाइम रिपीट कर रहे हैं, बी रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर एफ डैश अल्फा के कितने रूट होंगे, टू टाइम रिपीट करेगा। यहाँ पे देखिए थ्री टाइम आ रहा है, अल्फा इज मल्टीप्लिसिटी अल्फा की है थ्री। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी चेक करूँ एफ डैश अल्फा में, अल्फा एंड अल्फा मस्ट बी रूट ऑफ इक्वेशन एफ डैश अल्फा एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स अगर मैं इक्वेशन का डेरिवेटिव कर देती हूँ तो अल्फा वहाँ पे टू टाइम जो वो रिपीट करेगा, मीन्स दो इसके अल्फा और अल्फा दो रूट सेम होंगे डेफिनेटली। देयरफॉर
अब यहाँ से क्या आता है कि अगर एफ डैश अल्फा का रूट यहाँ पे रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स अगर मैं एफ डैश अल्फा का फिर से डेरिवेटिव करती हूँ, देन अल्फा मस्ट बी रूट ऑफ इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो। देखिए एफ एक्स जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसमें अल्फा थ्री टाइम ठीक है रिपीट कर रहा है, अगर मैं उसका डेरिवेटिव कर देती हूँ तो एक कम हो जाएगा, मीन्स टू टाइम रिपीट करेगा, और अगर उसका मैं फिर से डेरिवेटिव कर देती हूँ यानी डबल डेरिवेटिव ले लेती हूँ तो अल्फा डबल डेरिवेटिव का रूट डेफिनेटली बनेगा। देयरफॉर यहाँ से कंडीशन क्या आ जाती है, अल्फा इज़ अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, अल्फा इज़ अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स एंड अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ डबल डैश एक्स। देयरफॉर कंडीशंस आर एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू ज़ीरो, एफ डैश अल्फा इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ डबल डैश अल्फा, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दीज आर द कंडीशंस व्हेन एन इक्वेशन हैज़ अ थ्री इक्वल रूट्स। ठीक है, तो ये हम कुछ बेसिक थे एक्सरसाइज 7.5 के। नेक्स्ट लेक्चर में या तो आप यहाँ से एक्सरसाइज इजीली ट्राई कर सकते हो, और अगर यहाँ पे नहीं आपसे क्वेश्चन नहीं होते तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूँगी। बट इसके बाद जो अलजेब्रा का लेक्चर होगा वो मैं आपकी प्रॉब्लम्स का लेक्चर लेने वाली हूँ। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, देन इनको आप ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।